प्रथम प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि वे चाहते हैं एक ऐसा देश जहां हमारे युवाओं के अंदर साइंटिफिक टेंपर हो, वो वैज्ञानिक तरीके से सोच सके, लॉजिक और रैशनल से, ना कि अंधविश्वास से। और आज उनका जो सपना रहा होगा उसमें एक और मील का पत्थर जुड़ गया। 1962 में होमी भाभा जी और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च को एस्टैब्लिश किया, और 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश जो है वो साइंस के रास्ते पे चले। साइंस के रास्ते पे चलते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए, एक और मील का पत्थर, और इसके आगे कई मील के पत्थर है, और हमारे वैज्ञानिक उस हर मील के पत्थर को पार करते जाएंगे। आज हमने फतेह करी है चांद वाली राह, चांद पर पहुंचकर साउथ पोल चांद का हमने फतेह करी सबसे पहले। अब तक केवल 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर ऐसा मकाम हासिल किया, और इस सॉफ्ट लैंडिंग की सक्सेस के लिए हमारे इसरो के साइंटिस्ट का धन्यवाद, और आज हम कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनकी वजह से। देश का स्पेस मिशन आगे बढ़ता रहे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बने, या साइंटिस्ट ना भी बने, कोई ह्यूमैनिटीज़ पढ़े लेकिन साइंटिफिक टेंपर डेवलप अवश्य करे, क्योंकि तभी देश आगे बढ़ेगा। और हर व्यक्ति अगर इसी तरीके से सोचेगा कि कैसे रैशनल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज़ के बिना, तो हमारे यहाँ तो कभी कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, और हम बस आगे बढ़ते जाएंगे। आज का दिन हर भारतवासी के लिए ही नहीं, पूरी विश्व के लोगों के लिए है, क्योंकि जो आज हमने हासिल किया है उसका फ़ायदा पूरे विश्व को होगा। हम सब एक परिवार है, और ये परिवार तभी बनता है जब आप साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। अंधविश्वास के तरीके से मत सोचिएगा, यही चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कई प्रधानमंत्री आए, मगर सबसे जो बड़ा विजन था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि उन्होंने नींव डाली इस देश की साइंटिफिक टेंपर की हमारे लोगों के लिए।